शाहरुख खान की फैमिली को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। किंग खान की वाइफ गौरी खान कानूनी मुश्किलों में फंस गई हैं। गौरी खान को ईडी ने नोटिस भेजा है। 30 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। शाहरुख की फिल्म डंकी की रिलीज से 2 दिन पहले ही ये बुरी खबर मिली है। गौरी खान रियल एस्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर हैं। साल 2015 में वो इस कंपनी से जुड़ी थीं। कंपनी पर आरोप है कि इसने बैंक और निवेशकों से करीब 30 करोड़ रुपए हड़प लिए और उनसे धोखाधड़ी की। इसके बाद गौरी खान भी जांच के लिए ईडी की रडार पर आ गई हैं। तुलसियानी ग्रुप पर धोखाधड़ी के मामले में जो केस दर्ज कराया गया उसमें गौरी खान को भी आरोपी बनाया गया है। जल्द ही इस मामले में गौरी से पूछताछ की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरी से पूछा जाएगा कि कंपनी के साथ उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट था और इसके लिए उन्हें कितने पैसे दिए गए। ये मामला पहली बार मार्च में सामने आया था। इसी प्रोजेक्ट में मुंबई के रहने वाले एक शख्स ने 2015 में एक फ्लैट खरीदा था जिसकी कीमत 85 लाख रुपए थी, पर पैसे देने के बाद भी उसे ये फ्लैट नहीं मिला। इस मामले में शख्स ने तुलसियानी ग्रुप और गौरी खान के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। उसने अपनी शिकायत में कहा कि गौरी खान इस प्रोजेक्ट को एंडोर्स कर रही थी, इसीलिए उन्हीं को देखकर उसने तुलसियानी ग्रुप के जरिए घर खरीदा था। फिलहाल अब गौरी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।